जय हिंद दोस्तों, सुपर हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा में और हमारे बीच अभी मौजूद हैं राजभर समाज के लोग जो अपने समाज को नोटा बटन पर दबाकर और समाज को जागरूक करना चाहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इनसे बात करने की कोशिश करें। परिचय दे दीजिए जी। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश जी। मेरा यही परिचय है, छोटा सा नाम है, क्योंकि मैं महेंद्र राजभर, यहाँ दो हैं, तो हमारा नाम महेंद्र राजभर वास्तविक है। आप कर क्या रहे हैं इस समय, ये जो प्रचार प्रसार यहाँ कर क्या रहा हूँ, नहीं करने आया हूँ। कर क्या रहा हूँ, करने में बहुत अंतर है। मैं यहाँ आया हूँ अपने समाज को आगाह करने कि समाज जाग जाए, अपने हक अधिकार के लिए जागे। समाज को वो कहा गया है ना कि रेडीमेड बल्ब से मत जलाइए, लाइट से जलता कुछ और है, रेडीमेड बल्ब है, अभी फ्यूज हो गया तो फिर बेकार हो गया। ये रेडीमेड बल्ब समझ के, रेडीमेड चीज समझ के राजभर का जो यूज हो रहा है, कौन यूज कर रहा है? अरे ये हमारे समाज के नेता यूज कर रहे हैं। कौन? अरे कौन 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 करेगा, जो कर रहा है आप जानते हैं, तो आप क्यों, आप बताइए, आप पूछिए ना, नाम पूछिए, हम बताएंगे। हमारे समाज में बहुत नेता। कौन नेता? अरे भाई हमारे नेता है सुकल, क्या नाम है, सकलदीप राजभर, बब्बन राजभर, कमलाकांत राजभर, राम जतन राजभर, चंद्रदेव राजभर, सुखदेव राजभर, और रामचर राजभर, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, किसका नाम? सभी नेता आपके समाज का वो कर रहे हैं? नहीं, हमारे समाज में दो नेता हैं, महान नेता हैं। दो नेता इसलिए महान है कि इन्होंने समाज को, बाकी नेताओं ने कभी आरक्षण के नाम पर वोट नहीं मांगा, लेकिन ये दो नेता समाज को हमेशा आरक्षण के नाम पर वोट मांगे हैं। राजभर समाज चलो आजादी मिलने वाली है, कोई कहा कि चलो हम आरक्षण दिलाएंगे। दो नेता हमारे हैं राजभर समाज के, जो आरक्षण के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक लिए और बुलंदियों तक चढ़ गए। दोनों की राजनीति जो चमकी है, जो दोनों मंत्री विधायक है, इसी आरक्षण के नाम पे है। और ये दोनों आरक्षण को भूलते हुए बच्चों चुनाव के मौके पर आता है तो आरक्षण की बात होती है, बाकी अपने परिवार को सेटलमेंट की बात होती है, कार्यकर्ताओं को गुमराह करने की बात होती है। तो हम अब ये समाज जाग चुका है, धीरे धीरे शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है, अब समाज को हम जगाने आए हैं। आपका समाज, राजभर समाज जो जग चुका है, उसे आरक्षण की जरूरत नहीं है? आरक्षण की जरूरत नहीं होता तो हम जगाने क्यों आते, हमको यहाँ क्या जरूरत है? अभी ऐलान हो गया है कि राजभर समाज को एससी वर्ग में शामिल किया जाएगा, जिससे आप नाराज किया क्या? एससी वर्ग कहाँ हुआ है, एससी वर्ग की बात कहाँ हुई? हमारा समाज एसटी वर्ग में, एसटी में जाएगा, सॉरी तो कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री जी कहे हैं, आपने सुना है, आपके पास है, न्यूज है कहीं? अमित शाह जी कहे हैं, मोदी जी कहे हैं, कौन कहा है? ये बोलापन नेता की बात करते हैं, बयानवीर नेता की बात करते हैं, धुर्द की बात करते हैं, ये राजनीतिक बेस्या है। ये सब दोनों का, दोनों राजभर हमारे समाज के नेता राजनीतिक बेस्या है, समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। समाज को आप जागरूक किस तरह से कर रहे हैं? हम उनके हक अधिकार पे, उनकी एसटी आरक्षण पे कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करते हैं, इसे जागरूक किया जाता है कि आप अपने उजाले में आइए, अपने समाज की बात करिए। कितने दिन तक इस समय आप जागरूक करेंगे? कितने दिन तक? हमारे समाज को अधिकार कल मिल जाएगा, हम जागरूक, हमारा समाज हो जाएगा। बता रहे थे कि दो तीन तारीख तक हम रहेंगे। हम यहाँ तो हम जब तक चुनाव है तब तक रहेंगे। तब तक क्या प्रचार कर रहे हैं आप? प्रचार कर रहे हैं कि राजभर समाज आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो वोट कहाँ दबाएंगे? नोटा पे दबाएंगे। तो आपका अपने अपने राजभर समाज को आप जागरूक कर रहे हैं कि हम नोटा पे अपील कर रहे हैं कि आप अपने अपने इस नोटा पे दबा के सरकार को एक संदेश दे दे कि सरकार, मतलब आप किसी के समर्थन में नहीं? नहीं, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, मैं नोटा के समर्थन में हूँ। नोटा दबाओ, आरक्षण पाओ, अधिक से अधिक नोटा हमारा समाज दबाएगा, तो नोटा दबाने से एक आकलन होगा समाज का कि समाज अब अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक। ये कैसे पता चलेगा कि आप, अगर आपका समाज नोटा दबा दिया तो कैसे पता चलेगा कि राजभर समाज ही नोटा दबा रहा है? बहुत दिनों से आपने ये जो चला रहे हैं मीडिया नहीं, बहुत दिनों से चला रहे होंगे। आपको बताइए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद कहीं नोटा जब के पड़ा है? पड़ा है बताइए आप, नहीं पड़ा है ना? इसे पड़ेगा, गिनती का वोट पड़ता है नोटा का। लेकिन इस बार महेंद्र राजभर वास्तविक, जागो राजभर जागो संगठन के सचिव के हैसियत से पूरे मऊ के ये जो घोसी विधानसभा, पूरे घोसी विधानसभा में राजभरों के घर घर तक जा करके, हाथ जोड़ करके, विनती कर करके, समाज को हम अनुरोध, अपील, मांग करेंगे कि आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये नोटा का प्रयोग करें, नोटा दबाइए, आरक्षण पाइए। कैसे विकास हो जाएगा, मतलब कि आपका उज्जवल भविष्य हो जाएगा राजभर समाज का जब नोटा बटन पर दबाएगा? फिर वही बात कर रहे हैं, बताएं, इसको क्लियर बताएं ना। हमारा जो कोर्ट में मामला है,
शिक्षा महंगी है, आपने आपको पता है बटन पर दबाने से कौन सा विकास होगा? विरोध में ले जाना चाहते हैं हमको, सरकार की ओपिनियन खोलना चाहते हैं, खोलिए ना। बताइए ये बताइए शिक्षा कितना है, सेमेस्टर बीए का कैसे चलता है? पहले तीन बार परीक्षा होता था, आज 6 बार होता है। एक सेमेस्टर का 3500 मिनिमम लगता है, 3500 × 70 23,000 हमारा 21 में बीए होता था। आप वही ले जा रहे विकास के, महंगाई है, हम 2100 देने लायक नहीं है, हमारे पास 200 रुपया देने लायक है। तो अगर आरक्षण मिल जाता है तो हमारा समाज का शिक्षा में अब प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, रोजगार में हम हावी हो जाएंगे, हम मेहनत करेंगे। आरक्षण तो देने के लिए कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी के घर का है, ओम प्रकाश जी के घर का है, वोट तो दीजिए। अरे वो तो अनिल राजभर भी कहा था जी, वो तो अमित शाह जी ने कहा था कि हम 2017 में सरकार बनाएंगे तो हम राजभरों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। यही मुख्य धारा है कि भीड़ जुटाओ वोट दो, ये हम बिना वोट दिए कैसे बोल आप विकास करवाएंगे अपने समाज? वोट कैसे देंगे? वोट तो हमने जब से देश आजाद हुआ जब से वोट पड़ रहा है तब से वोट देते आए हैं, अब वोट हम नहीं देंगे, अब हम नोटा दबाएंगे। तो नोटा दबाने से कैसे विकास होता है, समझा दीजिए। हमारा विकास होगा ना, नोटा दबाएगा तो सरकार को लगेगा ना कि इनका प्रस्ताव नहीं जा रहा है। कैसे पता चलेगा सर कि आपने नोटा बटन दबा दिया? मैं अपील कर रहा हूं, ऐसे कैसे चल जाएगा मतलब कि आपका नाम महेंद्र राजभर है जी, तो कैसे पता चले कि आप महेंद्र राजभर ने नोटा बटन दबा दिया? भाई ये तो आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं कि राजभर समाज के संगठन है जो अपने हक अधिकार के लिए नोटा के लिए यहाँ प्रस्थान लखनऊ में कैंपेनिंग कर रहा है। और भी तो समाज नोटा बटन दबा सकता है। अरे भाई समाज फिर वही बात हमने कहती है, आपका कैसे हमको क्लियर कीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप नोटा बटन दबाए और आपका समाज नोटा बटन दबाए? हम अधिक से अधिक दबा के बटनिया तोड़ देंगे तब तो चलेगा ना, ये साइकिल घड़ी बाजा नहीं है। आकलन कर रहे हैं आप नोटा बटन? मैं आकलन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आया हूँ आकलन करने के लिए, और आकलन करके हम आपको दिखाएंगे, आप घबराइए मत। अभी तो आए हैं, अभी तो पैर रखे हैं, अभी 2 दिन चलने दीजिए, 4 दिन अभी तो कोई का समर्थक है उसमें हम तोड़ने आए हैं कि वो छोड़ो, अपने बच्चों बेटों के लिए रोजगार की बात करो, अपने बेटे के भविष्य की राय करो, एसटी आरक्षण पे बात करो। क्या अब यहाँ आए हैं तो क्या समझ रहे हैं हम आए हैं आपका? धन्यवाद।